जरबेरा की संरक्षित खेती में रोग या व्याधि का प्रकोप कम ही देखने को मिलता है, फिर भी कुछ रोग और कीट की संभावना बनी रहती है जिन्हें आप नजरअंदाज ना करें। जरबेरा में लगने वाले कुछ कीट इस प्रकार हैं। सफेद मक्खी। जरबेरा में कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 2 मिलीलीटर या डाइमिथोएट 30 EC 2 मिलीलीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। थ्रिप्स। जरबेरा में कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो आप समझें कि यह थ्रिप्स है और इसके नियंत्रण के लिए नुआक्रोम 2 मिलीलीटर प्रति लीटर या डाइमिथोएट का छिड़काव करें। माइट। माइट्स की रोकथाम के लिए अबामेक्टिन 1.9 EC 0.5 लीटर या 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सुंडी। इसके नियंत्रण के लिए थाइमेट 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करें। जरबेरा में कीट के अलावा कुछ रोगों की संभावना भी रहती है, जैसे जड़ गलन रोग। जरबेरा के पौधे के जड़ जब इस प्रकार से गलने लगे तो इसके नियंत्रण के लिए केप्टॉन या बेनलेट 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर मिट्टी में देना चाहिए। फूल कली गलन रोग। जरबेरा के कली जब इस प्रकार से गलकर गिरने लगे तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे करें। पाउडरी मिल्ड्यू। जरबेरा के पत्तों पर इस प्रकार से पाउडर नुमा दिखाई दे तो आप सल्फर पाउडर 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अब बात फूलों की तुड़ाई की। जी हाँ किसान भाइयों, यह प्रक्रिया काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के ऊपर आपका बाजार भाव निर्भर करता है। आइए जानते हैं जरबेरा के तुड़ाई के बारे में। पौधा रोपण के 3 महीने के बाद जरबेरा में फूल आना शुरू हो जाता है। जब 2-3 बाहरी पंखुड़ियों की लाइन डंठल के लंबवत हो जाए तो फूलों की तुड़ाई करनी चाहिए। फूलों की तुड़ाई सुबह या शाम में करनी चाहिए। अगर लागत और आमदनी की बात करें, पॉलीहाउस में औसतन 200 से 225 फूल प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष प्राप्त होते हैं। पौधों की उत्पादन क्षमता 24 से 30 महीने तक बनी रहती है। इस प्रकार 1000 स्क्वायर मीटर में जरबेरा की संरक्षित खेती करने से पहले साल में लगभग 3,41,300 कुल लागत आती है और आमदनी लगभग 9,50,000 रुपये। वहीं दूसरे वर्ष में जरबेरा की खेती करने में लागत आएगी 1,39,086 रुपये और आमदनी पहले वर्ष जैसा ही यानी 9,50,000 रुपये। इस प्रकार आपके 1 रुपये की लागत पर लगभग 6.5 रुपये की आमदनी होती है। वहीं तीसरे वर्ष में लागत और आमदनी का अनुपात और भी बेहतर होकर 1 रुपये की लागत से लगभग 8 रुपये की आमदनी होती है।